पार्ट में बड़ा छोटी तथा बड़ी की मात्राओं के बारे में बात की, आज हम इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। पहले प्रश्न में हमें दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाने हैं। पहला शब्द है तन। अब अगर हम न में बड़े आ की मात्रा बना दें तो यह हो जाएगा तना, तथा त में अगर बड़ी की मात्रा लगा दें तो यह हो जाएगा ती। तो इससे हमने दो नए शब्द बनाए। इसी प्रकार दूसरा शब्द है बज। अगर ज में हम बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं तो बज बन जाता है बजा, और अगर ज में हम बड़ी की मात्रा लगा दें तो बज हो जाएगा बजी। तो इस शब्द से भी हमने दो नए शब्द बनाए। दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं चित्र देखकर उचित मात्रा लगाकर हमें शब्द पूरे करने हैं। हमें यह शब्द दिए गए हैं पर उनमें मात्रा नहीं लगी हुई, जैसे कि यह किसका चित्र है, मछली। तो अब हम देखेंगे मछली। ल पर हमें बड़ी की मात्रा लगानी है तो यह हो गया मछली। इसी प्रकार अ मु, ये क्या है, आम। तो यहां पर अगर हम आ की मात्रा लगा देते तो यह हो जाता है आम। इसी प्रकार ग मु ल, यह क्या है, एक गमला। ला पर आ की मात्रा लगाने से यह हो गया गमला। द प क, यह एक दीपक है। द पर बड़ी की मात्रा लगाने से यह हो गया दीपक। तीसरे प्रश्न में वर्णों तथा मात्राओं को जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं। पहला है स, अ की मात्रा र और स, तो यह हो गया सारस। दूसरा है च, बड़ी की मात्रा त और बड़े आ की मात्रा, तो यह हो गया चीता। त, छोटी की मात्रा त, ल बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया तितली। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो उससे पहले वाले अक्षर पे लगाते हैं। जैसे कि मैंने इस छोटी ई की मात्रा को पहले वाले तौर पे लगाया है, तितली। इसी प्रकार स, छोटी ई की मात्रा और र, इस छोटी ई की मात्रा को मैंने स पर लगाया है, सी र। तो आज के पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में हम बात करेंगे अन्य मात्राओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते।